ये देखिए, ये है दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का मॉडल, जो कि प्रॉपर पूरा बन गया है। पूरा बनने के बाद जो है इसी तरीके से दिखेगा। ये देखिए ऊपर जो है ये पूरा होल्डिंग एरिया है, आपको दिख रहा होगा। ये एरिया जो है ये पूरा होल्डिंग एरिया है, जो कि अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा ही देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पूरा बनेगा तो पूरे स्टेशन तक ये होल्डिंग एरिया रहेगा। देखिए यहाँ से स्टेशन स्टार्ट है, पूरा इधर यहाँ तक है, तो ये पूरा रहेगा। ठीक है, ऊपर से आप लोग देखिए, ये है इधर स्टेशन, इधर आप देख पाओगे, और इधर देखिए अभी कंटिन्यू वर्क स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ मौसम जो है सही है, इसकी वजह से ये देखिए काम स्टार्ट हो चुका है। दोनों तरफ देखिए मशीनें वगैरह खड़ी हैं। और जो दीवार गिरी थी, आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा हुआ था कि दीवार गिर गई रेलवे स्टेशन की, तो वो यही दीवार है जो आप नीला नीला देख रहे हो, ये टीन से इसको कवर किया गया है। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम खड़े हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसका सेकंड फेज का जो वर्क चल रहा था वो कितना हुआ है। और आपको पता होगा जो प्रवेश द्वार बनाया गया है अयोध्या धाम जंक्शन का, उसके पास कुछ एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है अयोध्या नगरी करके, उसमें जो है कुछ अपडेट किए जा रहे हैं, और भी कुछ नए अपडेट हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों वहाँ पे है स्टेशन उस साइड पे, और ये वाला मार्ग है स्टेशन का, इधर जो है प्रवेश द्वार बनाया गया है, ये दिखेगा रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है इधर से। और अभी जो है हम इधर खड़े हैं, जो ये फ्लाईओवर गया हुआ है टीढ़ी बाजार टू मोहबरा वाला, इस साइड से वहाँ पे आप जाके चौराहे पे निकल जाओगे। फिलहाल यहाँ पे जो है सामने अयोध्या नगरी करके एक जो है सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, उसका अपडेट किया जा रहा है, चलिए दिखाते हैं। और कुछ जो है इस साइड पे अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगाया गया है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का, तो फिलहाल चलिए वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद जो है चलेंगे स्टेशन पर। स्टेशन पर जो जो अपडेट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाया गया इस तरीके से अयोध्या नगरी करके, ऊपर देखिए कुछ अपडेट किए जा रहे हैं, अभी वहाँ पे शायद लोगो लगाया जाए अयोध्या का, या कुछ और भी बनाया जाएगा। नीचे आप देखिएगा यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह सब कुछ जो है किया जा रहा है, पत्थर वगैरह लगा के उधर जो है इसको जो है फिनिशिंग वगैरह भी देंगे। ये काफ़ी अच्छा लगेगा, नाइट में जो है इसका कनेक्शन भी हो गया, देखिए वायर्स वगैरह सब कुछ जो है इसमें अटैच कर दिए हैं, कनेक्शन हो गया, रात में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और इधर का मैं बात कर रहा था, इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, इधर भी जो है अपडेट हो रहे हैं, इधर का मैं दिखाता हूँ। तो ये दिखेगा दोस्तों इस साइड पे, इस तरीके से देखिए, ये वाइट वाले पत्थर जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इनको देखिए रखा जा रहा है इस तरीके से। बाकी पेड़ पौधे तो पहले ही लगाए गए थे, लेकिन ये काफ़ी बेटर कर दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ये। और इस साइड से दिखेगा यहाँ पर भी ये चीज़ें लगाई जा रही हैं, ये देखिए, ये दिखेगा कुछ इस तरीके से इसको लगाया जा रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको अभी और कंप्लीट करेंगे, लगाएंगे। और यहाँ पर दिखेगा तो नीचे जो है वो लाइटिंग वगैरह भी लगाई जा रही है, यहाँ पर दिखेगी नीचे, देखिए इस तरीके से लाइट लग रही है, यहाँ पर भी लगी हुई है। अभी ऊपर जो है इसको कंप्लीट करेंगे जब ये पूरा, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे लगने वाला है देखने में। वैसे भी आपको पता होगा ये फ्लाईओवर के नीचे वैसे बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। उस साइड भी मैंने कई बार आपको दिखाया है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ यही अपडेट है यहाँ पर, ये आप लोग देख पाओगे, ये देखिए इस तरीके से। जब ये पूरा अपडेट बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पे जो जो अपडेट हो रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हम आ गए फाइनली स्टेशन पे, यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। इधर अगर मैं आपको बताऊँ तो इधर जो है कुछ सामान वगैरह रखे गए हैं, जो कि जैसे ये सीट वगैरह हो गई जो लाया गया था अभी लगाने के लिए। आपको पता होगा प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, देखिए वहाँ तक है ये, और उधर जो है बहुत बड़ा है उधर तक, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा इस तरीके से, इधर भी इसी तरीके से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हर जगह पे जो है पानी पीने की व्यवस्था की गई है, लगाया गया है, लेकिन जो है बंदरों की वजह से ये टोटी वगैरह जो है टूट जाती है। दिखाइए यहाँ पे जो है चार टोटियाँ लगाई गई थी, जिनमें से एक बचा हुआ है, और जो है तीन टूट गई, दिखाइए तभी ये सब कुछ बंद है। तो यहाँ पर जो बंदर है ये ज़्यादा नुकसान कर देते हैं इधर का, तो ये देख पाएंगे इस तरीके से। इधर देखिए पानी की वजह से ये चीज़ें हो गई हैं, बाकी चलिए आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये सामने आपको स्टेशन देखने को मिल रहा होगा, जो कि इस टाइम पे बारिश हो रही है, तो कलर आप देख सकते हो स्टेशन का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है बारिश में। ये देखिएगा इधर, देखिए ये सारे सामान, देखिए सीट्स वगैरह सब रखे गए हैं। सीट अभी जो है आपको पता है सेकंड फेज का वर्क चल रहा है स्टेशन को, और बड़ा किया जाएगा। अभी जो आप देख रहे हो स्टेशन, आपको कितना बड़ा दिख रहा है यहाँ से, सिर्फ इतना ही दिख रहा है ना, यहाँ से इतना ही बना हुआ है, लेकिन ये होल्डिंग एरिया जो आप देख रहे हो इसको और बड़ा किया जाएगा, पूरा उधर तक अभी बनने वाला है ये। अभी अंदर मैं अगर जा पाता हूँ तो अंदर चल के आपको मैं इसको दिखाता हूँ, इसका जो मॉडल रखा गया है कम्प्लीट बनने के बाद कैसे दिखेगा उसमें पूरा दिखाया गया है, अभी चल के मैं दिखाता हूँ। फिलहाल अभी देखिएगा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा स्टेशन का व्यू,
इधर ये देखिए पार्ट्स वगैरह सब नए नए ला के रखे गए हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे अपने टाइम से। ये आप जो चीज़ देखिए ये नया नया बिल्कुल रखा गया है जो कि एक्सीलेटर बोलते हैं जिसके जिसपे लोग खड़े होकर ऊपर जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल नया है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मोटर भाई इसमें लगा हुआ है। ये देखिए रखा गया है इसको, इसको भी यूज़ किया जाएगा अभी, ठीक है। इधर देखिए अभी एक गाड़ी खड़ी हुई है, स्टेशन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखिए अभी वर्क चल रहे हैं पूरा। आगे जो ये होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है देखिए इसका काम चल रहा है पूरा, हाँ तक इसको अटैच कर दिए हैं। अब जो है आगे उसी तरीके जैसे पीछे बना हुआ है वैसे पूरा यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे इसको पूरा बना के, तभी जाके ये कम्प्लीट होगा। अभी देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए मशीनें वगैरह सब जो है खड़ी हैं, सभी का यूज़ किया जाता है। रात में काम ज़्यादा होते हैं, अभी जो है बारिश वगैरह चल रही है तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत जो है काम डिले किए हैं, धीरे कर रहे हैं, नहीं तो बारिश ना हुआ होती तो अब तक लगभग काम निपटा देते इसका। इधर आप लोग देखिएगा तो इधर भी सामान वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएंगे सब जो कि रखे गए हैं। इधर मैं दिखाऊँ, ये देखिए जो ये ऊपर से बनाया जा रहा है ये पूरा होल्डिंग एरिया रहेगा और काफ़ी बड़ा ये भाई हो जाएगा ना, तो एक साथ कितने भी यात्री जो है ऊपर रुक पाएंगे, अपनी गाड़ियों का वेट कर पाएंगे। ये देखिए, ठीक है फिलहाल इधर से हम चलते हैं। अभी आपको पता है इसमें लिफ्ट भी बन रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है अभी काम बचे हुए हैं। लिफ्ट वगैरह भी सिर्फ दो ही लिफ्ट चल रहा है, टोटल जो है वो छः लिफ्ट यहाँ पे बनने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इधर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक जो है वहाँ पे इसके जस्ट सामने और एक जो है उस साइड पे जो कि आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, फिलहाल उधर से आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये लिफ्ट है और ऊपर आप लोग देख पाओगे ये जैसे इतना एरिया खाली है ये पूरा अटैच किया जाएगा और ये पूरा बनेगा, ठीक है। अभी देखिए तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा उधर जो है पूरे वर्क हो रहे हैं, अभी चल के ऊपर से आपको मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए वहाँ पर लोग लगे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं, ये देखिएगा वर्कर्स लगे हैं जो कि काम कर रहे हैं। ये देखिए तो भी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको उस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है किस तरीके से। आपको दोस्तों थोड़ा सा स्टेशन के अंदर का व्यू दिखाते हैं, जो मैं मॉडल बोल रहा था वो यहाँ पे रखा गया, मैं दिखाता हूँ। ये है दोस्तों स्टेशन के अंदर का व्यू जो कि मैंने कई बार आपको दिखाया है, ये इस तरीके से आप देख पाओगे। और फिलहाल मैं इधर चल के दिखाता हूँ जो कि इस रेलवे स्टेशन का पूरा प्रॉपर बना के मॉडल रखा गया है, कि ये पूरा बनने के बाद जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, सेकेंड फेज थर्ड फेज सब कंप्लीट हो जाएगा, तब ये कैसे दिखेगा वो इसमें दिखाया गया है। जैसे कि ये दिखेगा, ये देखिए, ये है दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का मॉडल जो कि प्रॉपर पूरा बन गया है। पूरा बनने के बाद जो है इसी तरीके से दिखेगा। ये देखिए ऊपर जो है ये पूरा होल्डिंग एरिया है, आपको दिख रहा होगा ये एरिया जो है ये पूरा होल्डिंग एरिया है जो कि अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा ही देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पूरा बनेगा तो पूरे स्टेशन तक ये होल्डिंग एरिया रहेगा। देखिए यहाँ से स्टेशन स्टार्ट है, पूरा इधर यहाँ तक है तो ये पूरा रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये है प्रवेश द्वार अंदर जाने के लिए। इधर मैं अगर बात करूँ तो इधर देखिए ये बनाए गए हैं, पुराने ब्रिज हैं, कितने बन चुके हैं यहाँ पे 6 बने हुए हैं जो कि अभी प्रॉपर आपको बाहर सिर्फ 3 देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से आप लोग, ये 6 हैं देखिए ये, और अभी जो है आपको 3 जो है अभी इस टाइम पर देखने को मिलेगा जो कि पूरा अभी और बनेगा। इधर भी आप देख पाओगे इस तरीके से, इधर भी जो है नीचे तो स्टेशन से नीचे उतरने के लिए रहेगा। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त भाई ये बना हुआ है और पूरा पेड़ पौधे लगा के पूरा इस तरीके से रहेगा। देखिए ठीक है, ये है स्टेशन के अंदर का व्यू जो कि आप देख पाओगे, ये इस तरीके से अंदर का व्यू, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं उसके ऊपर होल्डिंग एरिया के ऊपर, उधर आपको दिखाते हैं, उसके बाद उधर उस साइड के आपको दिखाएंगे जो वर्क चल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ चलेंगे हम ऊपर। ये देखिए दोस्तों इधर एक्सीलेटर लगा हुआ है जो कि अभी ऊपर जाने के लिए चल रहा है, तो यहाँ से हम भी चलेंगे ऊपर और ऊपर चल के आपको उस साइड से दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ चलते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ से हम आ गए ऊपर। बहुत ही अच्छी सुविधा है भाई इस रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से आप देख पाओगे इस तरीके से। इधर जो है बाहर जाने का रास्ता है जो कि यहाँ से आप बाहर जा सकते हो अपने होल्डिंग एरिया पे, और जैसे यहाँ से आप बाहर जा रहे हो वैसे एक रास्ता और बनाया जाएगा उस साइड पे। वहाँ पर भी जो है एक्सीलेटर वगैरह लगाया गया है, नीचे से आप जाके एक्सीलेटर से ऊपर आओगे तो उधर एक मार्ग बनाया जाएगा जो कि अभी नहीं बना है, लेकिन आगे चल के उसको बनाया जाएगा ताकि जो है लोग उधर से भी जाएंगे और अपने होल्डिंग एरिया पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर बनने वाला है, बाहर से आपको मैं दिखा पाऊँगा, ठीक है। ये देखिए ये है पूरा होल्डिंग एरिया, देखिए
जो भी मैं नीचे से आपको दिखा रहा था वो ये है। ये देखिए, ये है भाई पूरा होल्डिंग एरिया, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इधर जो है प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आप जा सकते हो यहाँ से। और अभी देखिए सुबह सुबह साफ़ सफाई हो रही है, और ये है पूरा होल्डिंग एरिया। देखिए अभी जो है ये बोल सकते हो सिर्फ एक भाग में बना है, दो भाग इसका भी आगे बनने वाला है पूरा, जो कि वहाँ पर बन रहा है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनके तो काफ़ी बड़ा रहेगा। अभी देखिए लिफ्ट यहाँ पर भी है, एक जो है उस साइड पर भी है, जो कि नीचे से डायरेक्ट आप ऊपर आ सकते हो इस पर। ठीक है, उधर वाली तो अभी नहीं चलती फ़िलहाल, एक ये वाली चलती इधर, एक जो है यहाँ पे बनाई गई है ये वाली चलती है। ठीक है, यही दो लिफ्ट जो है अभी चल रही है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा सामने से दिखाता हूँ किस तरीके से बन रहा है। तो ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से बन रहा है ये। ऊपर से आप लोग देखिए, ये है इधर स्टेशन, इधर आप देख पाओगे। और इधर देखिए अभी कंटिन्यू वर्क स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ मौसम जो है सही है, इसकी वजह से ये देखिए काम स्टार्ट हो चुका है। दोनों तरफ देखिए मशीनें वगैरह खड़ी हैं, और काम जो है कंटिन्यू स्टार्ट है। ये देखिए ये पूरा बनेगा, जैसे कि अभी इधर होल्डिंग एरिया आप देख पा रहे हो, ऐसे ही ये पूरा होल्डिंग एरिया रहेगा, पूरा वहाँ स्टेशन तक रहेगा एकदम लास्ट तक। ये देखिए, देखिएगा दोस्तों इधर देखिए ये काम चल रहा है, आप लोग देख पाओगे। ऊपर देखिए ये वर्कर्स वगैरह लगे हैं, ऊपर से ये पूरा काम कर रहे हैं देखिए। और जो मैं अभी बता रहा था आपको कि इधर से जो है एक मार्ग और बनाया जाएगा, नीचे एक्सीलेटर लगाए गए हैं, वहाँ से लोग ऊपर आएंगे। और ये जो कांच एरिया आप देख रहे हो, यहीं पर जो है एक मार्ग और बनाया जाएगा, जहाँ पे लोग डायरेक्ट इस होल्डिंग एरिया पे आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये बना हुआ है, ऐसे ये पूरा बनेगा, तब वहाँ से जो है ऊपर आ पाएंगे। ये देखिए अभी जो है कंटिन्यू काम चल रहा है देखिए। और ये बारिश की वजह से थोड़ा बहुत काम डिले हुआ था, नहीं तो बहुत काम कर दिए होते इधर का। ये देखिएगा अभी जो है इस पर के ऊपर आ गए हैं, काम चल रहा है इधर। और इधर मैं आपको बताऊं तो इधर भी आप देखिएगा, इधर मशीनें वगैरह खड़ी हैं, इधर भी एक ट्रेन खड़ी है अभी, और इधर भी बनेगा, ये पूरा अटैच किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा अटैच होगा पूरा एक तरीके से। जितना आप खाली एरिया भी देख रहे हो, नीचे आप देखिएगा सामान पार्ट्स वगैरह सब रखे गए हैं यहाँ पे। और इधर देखिए ये, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, और इधर जो ये बनाया जा रहा था 4 और 5। ठीक है, इसके आगे भी बनेगा, इसका यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ ये 2 और 3 तक ही यूज़ किया जा रहा था अभी तक। इधर आप लोग देखिएगा ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। ठीक है, ऊपर देखिए होल्डिंग एरिया, यहाँ से आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसी का जो है ये सामान वगैरह रखा गया, आप लोग देख सकते हो काफ़ी भारी मात्रा में, क्योंकि आगे ये पूरा बनेगा। और अभी यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर चल के मैं आपको बताता हूँ कि इधर जो है ज़मीनें वगैरह ली जाएंगी, अभी ये और आगे बढ़ेगा, वो ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ तक बनने वाला है, कितना जो है इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इसके ऊपर चलते हैं, ये पुराना वाला ब्रिज है, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे हैं ब्रिज के ऊपर, और इधर मैं आपको बताऊँ पहले तो इधर जो है होल्डिंग एरिया ये देखने को मिल रहा है आपको, जो कि यात्रियों के रुकने के लिए इसको बनाया गया है। अभी जो है ओपन रहता है, रुक सकते हो आप लोग आपके यहाँ पर। और ये है रेलवे स्टेशन के पीछे का साइड का व्यू, इधर का जो है इधर स्टेशन है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ, क्योंकि जो है स्टेशन इस साइड पे बढ़ाया जाएगा इधर, अभी ये और बनेगा। अभी आपने मॉडल देखा अंदर, मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें लगभग 6 बने हुए थे इस तरीके से नीचे उतरने के लिए प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेकिन अभी आपको कितना देखने को मिल रहा, एक ये है, एक ये है, एक उस साइड पर है। ठीक है, जो कि ये यूज़ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ यही दोनों यूज़ होते हैं अभी। ठीक है, अभी देखिए ये 4 और 5 प्लेटफॉर्म रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में इसको बनाया जाएगा। यहाँ से भी लोग जो है जाएंगे, इसमें बीच में जो है ये ट्रैक आप देख रहे हो, ये अभी सिंगल ट्रैक है, इस पर और लगाए जाएंगे, यहाँ तक ट्रैक रहेगा, तो इस पर भी गाड़ी आएंगी, यहाँ पर भी रुकेंगे। बात करें होल्डिंग एरिया की, तो होल्डिंग एरिया आपको छोटा सा भी देखने को मिल रहा है, जो कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इधर जो आप ये एरिया देख रहे हो, घर वगैरह ये सब हटेंगे और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब ये जो है यहाँ पर ट्रैक लगेगा 4 और 5 के लिए, इधर गाड़ी आएगी, यहाँ पर जो है लोग बैठेंगे। देखिए ऊपर से इस तरीके से दिखता है, इधर से मैं बताऊँ आपको, ये देखिए ये एरिया जो आप देख रहे हो, इधर ही जो है इसको बढ़ाया जाएगा पूरा। देखिए इसको पूरा बढ़ाया जाएगा, उधर आगे तक ये बनेगा। ठीक है, उधर आपको पता है मणि पर्वत है वहाँ पर, तो जब ये बनेगा तो उसको वहाँ तक जो है इसको जोड़ दिया जाएगा। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, जब आगे बनेगा तो आपको दिखाएंगे। बस चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, आपको ऐसे ही अपडेट यहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा बाहर से चल के बाहर का स्टेशन का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। यह है दोस्तों स्टेशन के बाहर का व्यू, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इधर जो है ये पुराना वाला स्टेशन है, जो कि अपडेट किया जा रहा है इसको,
इसका जो है अंदर तोड़ रहे हैं इसको, शायद इसको पूरा तोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग देखिएगा वो कितना ऊंचा है। ये पुराना वाला है, इसको तोड़ के यार इसको फिर से बना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये है स्टेशन के बाहर का पूरा व्यू, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा, इधर ये पूरा अपडेट किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से इसको पूरा जो है तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा इधर। और अब जो है आप यहाँ से उधर से प्रवेश करोगे या फिर इधर से जाओगे, आपको टिकट वगैरह इसी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो था टिकट लोग यहाँ से लेते थे उसके बाद इधर से जाते थे, अब टिकट आपको अंदर ही मिलेगा, वहाँ से जा सकते। दोस्तों स्टेशन के बाहर आ गए हैं, और जो दीवार गिरी थी आपने बहुत सारे न्यूज में देखा हुआ था कि दीवार गिर गई रेलवे स्टेशन की, तो वो यही दीवार है जो आप नीला नीला देख रहे हो, ये टीन से इसको कवर किया गया है, वो यही दीवार है। देखिए ये अब इसको जो है इस तरीके से बनाए रहे हैं, फिर से जो है बनाने का काम किया जा रहा है, दीवार को फिर से उठाया जा रहा है। देखिएगा ये वर्क चल रहे हैं, ये पूरी दीवार है इस तरीके से, ये देखिए। और ये है स्टेशन, स्टेशन के बाहर का पूरा व्यू इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये है उस साइड से मैंने आपको पूरा दिखाया, उधर से आके क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर भी चल के मैंने दिखाया, स्टेशन के अंदर भी दिखाया। और इधर जो है ये दीवार बाकी कंप्लीट कर दिया जाएगा अभी तो इसी तरीके से, ये देखिए। तो ये था दोस्तों कुछ अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का अपडेट, जो जो वर्क चल रहा है मैंने आपको पूरा दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।